नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। जब हम सांस नाभि तक लेकर जाते हैं तो हमारे शरीर में प्राणों की उत्पत्ति होती है, और प्राण एक दंड नायक के जैसे, जहां जहां जितने भी दोष होते हैं उन समस्त दोषों को हटाना शुरू करता। अपने ध्यान को अपने लंबिकाग्र चक्र में जागृत करेंगे, जहां इस शरीर का दंड नायक, इस शरीर का ड्राइवर, जो इसके समस्त कार्यों को अपने नियंत्रण में रखे हुए उस काल स्वरूप को, जिसने आत्मा, दिशाएं, मन, शरीर, इंद्रियें, सबको, सबका नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है, उस काल को महाकाल में, जो श्री कृष्ण रूपी महाकाल है, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र, जिनके लिए प्रत्येक चीज ही एक अस्त्र के जैसी है, जो हाथी को भी सूंड से उठाकर फेंकते हो, जिनके गरुड़ जी वाहन, उन महाकाल स्वरूप विष्णु लक्ष्मी को, कृष्ण लक्ष्मी को, अपने लंबिकाग्र चक्र में जागृत करेंगे, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने महाभारत काल में बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए समस्त शत्रुओं का नाश करा था, उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष का, जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, बांग्लादेश का क्षेत्र है, बर्मा का क्षेत्र है, चाइना का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों में जितना भी अत्याचार हो रहा है महिला और पुरुषों को शोषण करके उनके शरीरों को काट दिया जाता है, उन समस्त लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं माना जाता, वहां के समस्त हिंदू परिवारों के भीतर उनके लंबिकाग्र चक्र में आप गरुड़ पे विराजमान श्री कृष्ण जागृत हो जाए, और अपनी गदा और सुदर्शन चक्र से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ऐसी भावना को जागृत करें कि वो आपके तौर यात्रिक के स्वरूप को,
दंड नायक के स्वरूप को, दंड के स्वरूप को उस संपूर्ण क्षेत्र में जागृत ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का शोषण हो ही ना पाए। उन सबके भीतर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जागृत हो। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। इस संपूर्ण क्षेत्र के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितनी भी पुलिस है, जितनी भी मिलिट्री है, जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं, जो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए हैं, उन सब के भीतर राष्ट्रभक्ति जागृत हो और वो वहां पर रहने वाले समस्त हिंदुओं को धर्म के मार्ग पे चलाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए बाधा ना बने, वो चाहकर भी किसी का अनिष्ट ना कर पाए, लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शांशमूर्षंडा हस्य श्री संचय नमः स्वाहा। वहां प्रत्येक हिंदू पुरुष के ऊपर महाकाल स्वरूप श्री कृष्ण उनके भीतर जागृत हो, प्रत्येक स्त्री के भीतर महाकाली स्वरूप जो महासती का रौद्र रूप है, केवल एक लक्ष्य दंड की स्थापना, अधर्म का नाश, इसकी वहां पर प्रत्येक स्त्री पुरुष छोटे बच्चे सबके भीतर ये भाव जागृत हो, उनको किसी भी प्रकार का भय ना लगे, कोई कानून, कोई कुछ क्या करेगा, कोई भय नहीं। जैसे काली हाथ में खप्पर लेकर हजारों सब एक क्षण में उड़ा देती हैं, ठीक उसी तरह से जो भी उस दंड नायक को अपने भीतर जागृत माने वो निर्भय हो जाए और समस्त आक्रांताओं को
नाश करे, उसको किसी कानूनी प्रक्रिया का कोई भय ना लगे, किसी अधिकारी का भय ना लगे, और वास्तविक जननायक स्त्री पुरुष जागृत हो। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी च शमूषण्डा हस्ये सूरी संचय नमः स्वाहा। मेरे देश के वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बर्मा, चाइना, इस भूभाग में दंड नायक जागृत हो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो भी भारतीय और हिंदू संस्कृति में विश्वास रखता हो, वो निर्भय होकर अपना कार्य करे, उसका कोई मार्ग रोक ना पाए। जैसे राजा प्रजा की रक्षा के लिए हजारों लाखों लोगों का संहार कर देता है, वो दंड की स्थापना है। इस प्रकार से सबकी सोच हो जाए कि हमें अपने क्षेत्र में दंड की स्थापना करनी है, उसके लिए कितने सर काटने पड़े, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन में लेश मात्र भी भय ना हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों से लगाएंगे। जी रमेश सर, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूटेड है सर। जी बहुत पीस, बहुत पीस। मैंने ये भी प्रे किया कि उस बच्ची के लिए कि आप विष्णु स्वरूप हो, विष्णु लोक की यात्रा, यहाँ जो जिसको दंड देना है वो साक्षात श्री कृष्ण खुद उनको दंड दे देंगे।
वो हर एक के भीतर वो भाव ही जागृत हो जाए बस, क्योंकि जब कोई लोग रेवोल्यूशन लेकर आते हैं ना, तो लोग ही सारे काम करते हैं, उन्हें फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं हो रही है। लोग दंड को अपने हाथ में लेंगे तो ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, वो उल्टा रहा है। तो जितनी भी आसुरी शक्ति हैं, वो उन्होंने दंड को अपने हाथ में ले रखा है, वो मारकाट मचा रहे हैं और उनको राजसी सही होगा। जी शुक्ला जी, सर मजा आ गया बिल्कुल, बीच में तो पता नहीं कहा।